नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में ही रहती हैं खबरें हमारी। भारतीय जनता पार्टी 2024 के हिसाब से लोकसभा की तैयारी में जुट गई है, जिसकी बानगी बीते दो दिनों में देखने को मिलने लगी है। पहले भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के स्थापित नेता एके एंटोनी के बेटे अनिल एंटोनी को भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कराकर कांग्रेस को एक बड़ा मानसिक झटका दिया। वैसे भी कांग्रेस पार्टी वर्तमान में राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हो जाने के बाद इस सदमे से ठीक ढंग से उबर भी नहीं पाई थी कि अनिल एंटोनी का भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाना कहीं ना कहीं इस बात का संकेत देता है कि भारतीय जनता पार्टी अब दक्षिण के कमजोर गढ़ को भी चाक चौबंद करने पर तुल गई है। 2024 में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में फिर से स्पष्ट बहुमत की सरकार बने, इस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी बहुत सधी हुई चालें चल रही है। भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि यदि एंटी इनकम्बेंसी का हिंदी भाषी राज्यों में असर पड़ा, यदि हिंदी भाषी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की कुछ सीटें घट भी गईं, तो इसकी भरपाई भारतीय जनता पार्टी दक्षिण के राज्यों से करने की तैयारी अभी से शुरू कर चुकी है, जिसके चलते कांग्रेस के स्थापित नेता एके एंटोनी के बेटे अनिल एंटोनी को भाजपा में प्रवेश दिलाकर कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को यह संदेश देने की कोशिश की गई कि यह भाजपा है, 5 साल लगातार संघर्ष करती है, 5 साल लगातार चुनाव की तैयारी करती है, नए नए गोल सेट करती है, नए नए नेताओं को अपनी पार्टी से जोड़ती है। तमाम लोग इस बात को लेकर कयास लगाते रहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिमों की विरोधी है। भारतीय जनता पार्टी ने आरिफ मोहम्मद खान को केरल का राज्यपाल बनाकर लोगों का यह भ्रम भी तोड़ दिया कि भाजपा मुस्लिम विरोधी है। भारतीय जनता पार्टी ऐसे मुस्लिमों को अपने पार्टी से जोड़ती है जो वाकई में हिंदुस्तान के अंदर रहकर हिंदुस्तान की बात करते हैं। ऐसे मुस्लिमों को अपनी पार्टी से नहीं जोड़ती जो रहते तो हिंदुस्तान में है लेकिन उनका दिल पाकिस्तान के लिए धड़कता है। अनिल एंटोनी के कांग्रेस में शामिल होने की खबरों की स्याही अखबार में ठीक ढंग से सूखी भी नहीं थी कि भाजपा ने उसके बाद दूसरा बड़ा झटका विपक्षी दलों को दे दिया। भाजपा ने केरल के बाद आंध्र प्रदेश की ओर रुख किया और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री किरण रेड्डी को ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल करा लिया। इन दोनों नेताओं के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी आंध्र प्रदेश और केरल में पहले की तुलना में अब ज़्यादा मजबूत न सिर्फ दिखाई पड़ रही है बल्कि ज़मीनी स्तर पर भी भारतीय जनता पार्टी की विधानसभा और लोकसभा में भी सीटें बढ़ेंगी, क्योंकि किरण रेड्डी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और अनिल एंटोनी के पिता एके एंटोनी केरल के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ऐसे में इन दोनों नेताओं के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाने के बाद कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के विरोधी दलों के लिए यह एक बुरी खबर भी है कि भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान रणनीति को देखते हुए एक कहानी याद आ रही है कि एक राजा था, उसको अपना महल बनाने की सूझी, उसने कई महल बनाने के पहले देखे सुने उन महलों का मौका मुआयना किया। तमाम महलों को देखने के बाद राजा इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि जब तक महल बनाएंगे तब तक अपनी ज़िंदगी खत्म हो जाएगी या महल बनाते बनाते हमारी मौत हो जाएगी, इसलिए बेहतर होगा कि जितने महलों का हमने मौका मुआयना किया है उनमें से अच्छे महल पर कब्जा कर लिया जाए। कहने का अभिप्राय बिल्कुल साफ है, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का निर्माण तो कर ही रही है लेकिन जब तक वह नए कार्यकर्ताओं का निर्माण करेगी तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। यदि केंद्र की सत्ता में बने रहना है तो उसे अब नेता बनाने की दिशा में नहीं सोचना चाहिए बल्कि उसे बने बनाए नेताओं को अपने दल में शामिल करा लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी अब इसी प्रक्रिया में इसी रणनीति पर चल रही है और जिसकी बानगी इन दोनों नेताओं को भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराकर भाजपा ने दे दिया। आने वाले समय में किन किन बड़े नेताओं की आमद भारतीय जनता पार्टी में होगी अभी से कहना जरा जल्दबाजी होगी, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही है उसे देखते हुए कोई भी नेता जो भविष्य के प्रति चिंतित है बहुत दिनों तक कांग्रेस के प्रति वफादारी दिखाएगा इसमें संदेह है। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और यदि आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।